जब वृद्ध हो जाता है इंसान, अब जैसे भक्तिहीन प्राणी भी वृद्ध होगा और भक्ति करता हुआ व्यक्ति भी वृद्ध होगा, ये तो नेचुरल है। जो भक्तिहीन वृद्ध होगा उसकी तो दुर्गति होगी। वो क्या सोचता है वृद्ध अवस्था में, क्योंकि वृद्ध अवस्था में क्या होता है, जैसे अपना तो लड़का लड़की कहीं और की, वो हमारे घर आवेगी तो उस लड़की का जो व्यवहार कैसा रहेगा उनके प्रति, ये तो उस बेटी के स्वभाव पर ही डिपेंड करता है। फिर क्या होगा, वृद्धावस्था में कुछ कवा सुनी अवश्य हो जाती है, कभी बच्चा भी बोल देता है, कभी पुत्र वधू भी कह देती है, तो फिर क्या याद आते हैं भक्तिहीन प्राणी के, उस माता और पिता को एकांत में बैठकर रोते हैं कि देखो हमने इनको ऐसे पाला पोसा, इनकी कितनी हमने सेवा की है, और देखो कितनी मेहनत से इनको पाला, आज हमें क्या सुनने को मिल रहे हैं। वृद्धावस्था में क्या होता है कि बूढ़ा आदमी अपने अनुभव को अपने बच्चों को बताने की चेष्टा करता है, और वो कोशिश करता है कि बालक मैं कहूँ ऐसे ही करें, लेकिन उस वृद्ध की अवस्था में और बच्चे जब जवान होते हैं तब तक बहुत समय बीत चुका होता है, तो बच्चे अपने समय के अनुसार बाहर के समाज को देखते हुए अपने कर्म क्रियाओं को करते हैं, जो उस बुजुर्ग को पिता को गवारा नहीं होते, जिस कारण से वो बात बात पर उन्हें टोका टाकी रख है, नू कहेगा तुम तो नाश करोगे, तुम ऐसा करते हो, हम तो ऐसा करते थे, हम कभी ऐसा नहीं करते थे। शुरू शुरू में हमने देखा कोई गांव में ये टूथपेस्ट ले आता, तो उसको टूथपेस्ट कौन लाता, जो नौकरी वाला हो या कोई बाहर शहर में रह रहा हो, तो उसके बारे में बातें बनाया करते, देख नाश करेगा, ये तो पता नहीं के बन गया। तो इस तरह की हमारी जो नेचुरल सोच होती है, इस तरह की सोच बनी ही रहती है, तो वो बुजुर्ग टोका टाकी अवश्य करता रहता है, जिस कारण से उन बच्चों में मन मुटाव सा बन ही जाता है कि पिताजी बार बार टोकते रहते हैं, हम कोई बालक थोड़ी रह गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, बाल बच्चे भी हो गए हैं। तो इस तरह का जो माहौल बिगड़ता है वो भक्तिहीन प्राणी, ज्ञानहीन बूढ़ा वृद्ध, या जो है ना एक न्यारी खराबी कराया करे, एक विशेष अशांति का कारण बनता है। एक समय क्या हुआ कि एक वृद्ध मृत्यु को प्राप्त हो रहा था और उसकी जुबान बंद होगी, उसके बच्चे निकट आए, क्या हो गया पिताजी को, पिताजी कुछ ऐसे संकेत कर रहा था, ना हाथ हिल रहे थे ना जीभ उठ रही थी, ऐसे संकेत कर रहा था। अब उन्हें सोची कि पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, उनको ये शंका होगी कि पिताजी कहीं धन दाबा दाब रखा, धन यानी पैसा या सोना आभूषण दाब रखे हैं कि तो जमीन में, पहले ऐसे ही करते थे चोरों के डर से, जमीन के अंदर पैसे छुपा दिया करते थे, तो उस पशुओं के पशु जहाँ बांधा करते, पशुओं के नीचे स्थान खोद कर गड्ढा उड़ा दाब देते, रूप ऐसा करते थे किसी को पता नहीं लगे कहाँ दाब रखे, तो ऐसे जहाँ पशु बंधते थे उस साइड में ऐसा कर रहा था। अब बच्चा ने सोची पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पैसा इन्होंने छुपा रखा है, मृत्यु होगी और ये व्यर्थ जाओगा। उस गांव में एक व्यक्ति था, वो ऐसा इंजेक्शन लगा देता था कि यदि श्वास शेष हैं उसके तो उसकी जीभ उठ जाती थी, वो बोल के एक दो मिनट मुश्किल से वो बोल सकता था, जैसा भी एक दो मिनट, और वो 500 रुपये लेता था। वो दौड़ के गया एक जना उनसे लाया, डॉक्टर को बुला के कि हमारे पिताजी के वो इंजेक्शन लगा दे जिससे ये बोल पड़े। उसने 500 रुपये रखवा लिए, 500 रुपये दो पहले, 500 रुपये ले लिए,
उसके इंजेक्शन ला दिया, वो बुढ़ा ठीक हो गया बुजुर्ग। तो लड़के कहने लगे, हाँ पिताजी बता के कहो है, क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कहने लगा, रहे तुम कित मर गए, यो गाय का बच्चा झाड़ू खा ली, देख देख तुम कहाँ नाश करोगे मेरे मेरे पास है, ये झाड़ू खा ली गाय के बच्चे ने, नो कह के बुढ़ा तो मर गया। अब वो लड़के बोले, बाबू या झाड़ू 500 रुपये पड़गी तेरी, ये वो तो गया बुढ़ा मर गया। अब हमारी एक तो यह स्थिति होगी बुढ़ापे में, जो भक्ति नहीं करते हम चाहेंगे बच्चों का लाभ करें, होगी आनी, क्योंकि उस स्थिति बदल चुकी होती है। और जिस घर में भक्ति नहीं वहाँ कलह रहती है। परमात्मा कहते हैं, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, बरद होवे जब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारा, स्वार्थ के बिना या कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं भाई, बरद होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, बरद होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकन हारे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारे। अब क्या होता है, जैसे बुढ़े की या बुढ़िया की घर कहाँ कहाँ सीटिंग होती है उसकी, कहाँ गेट के ऊपर, और वहाँ कुत्तों की रखवाली करते हैं, कुत्ता कोई घर में ना बैठ जाए। पुत्रवधू जाती है कहीं जल लेने बाहर खेतों में या चारा लेने, और पीछे तो कुत्ते बढ़के दूध खराब कर गए, कोई रोटी खराब कर गए, वह पुत्रवधू आई भीतर देखा तो उसने देखा कि तो कुत्तों ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो फिर बुढ़िया पर गुस्सा उतरा करे, अब तुमने मेरी छाती फूक दी, मेरा लहू सुखा दिया, तुम्हारा इतना सुख भी को नहीं, तुम कुत्ते ता दो, कुत्तों को हटा दो। कहते हैं कुत्ते ता उनका भी सुख को ना, तुम छाती फूकना रे। अब फिर वो बुढ़ा बुढ़िया रो अकेले, उस पुत्र को दुखा के तो बोल रहे कोई ना, अब बोलोगे तो सामने रोटी भी ना मिले। फिर रोते हैं, देख हमने इनके लिए कितना किया, के सोची थी बेटे ने ब्याह होंगे, हमने सुख होगा ये होगा, देख आज इसने छाती फूक दी मारी, कब ऐसे मेरी फूक दी। तो पुण्यात्माओं ये बेट नेचुरल है, यहाँ रोच को राजी रहो, इस काल ने हमें इस प्रकार परेशान कर रखा, ऐसे ही रहेंगे। इसके विपरीत जो भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, इस परमेश्वर की शरण में रह रहे हैं, तो उनकी स्थिति में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि यदि बच्चे भी भक्ति में लग जाए तो फिर तो मिनी सतलोक हो जाएगा आपका घर, ये सत्कर्म मान लेना। अब जैसे आप वृद्ध होंगे, बच्चे युवा होंगे, इनका विवाह भी होगा, सारे काम होंगे, ठीक है। माता पिता का स्वभाव होता है कि अपने बच्चों को अपने अनुभव अनुसार गाइड जरूर करें, उनको बताओ बेटा ऐसे कर लो ऐसा कर लो, और वो नहीं मानते हैं कि नहीं पिताजी ऐसा ठीक है हम ऐसा करते हैं, तो उसको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं चाहिए। बुढ़ा अगर समझदार है तो कहना अवश्य चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई बात ऐसी भी हो जाए बच्चों के ना दिमाग में हो और वह बात सेट हो जाए पिता वाली माता वाली, और वो ऑब्जेक्शन करते कि नहीं ऐसे ही करेंगे, अच्छा बेटा कर लो अपना माड़ा ले कर और करोट बदल ले, दूसरी तरफ मुँह फेर कर अपना मंत्र शुरू करते। और फिर क्या होगा कि परमात्मा की कृपा से भक्ति करने से पहले तो आपका शरीर ठीक रहेगा बुढ़ापे में, क्योंकि सारी उम्र के किए हुए पुण्य और पाप साथ तो रहते हैं युगों युगों के,
तो वो बुढ़ापे में आकर फिर अपना सारा प्रभाव दिखा देते हैं। भगवान की भक्ति से फिर एक नारी शक्ति प्राप्त होती है आत्मा और शरीर को, कष्ट रहित भी होता है और बच्चों के अंदर भी परमात्मा दयालु दया भर देता है, एक विशेष नम्रता आती है। वो डरते हैं मालिक से, कहीं पिता माता की आत्मा ना दुख जा, हमें पाप ना लग जा, तो उस दृष्टिकोण से भी ऐसा कोई कदम नहीं जल्दी से उठाते जिससे माता पिता को दुख हो। और उधर से माता पिता भी इतने समझदार हो जाना चाहिए इस ज्ञान से, एक बार प्रार्थना करें नहीं मान्य तक, अच्छा बेटा नू ऐसे देख लो और फिर अपना मंत्र में ध्यान रखे, वो पिछले रंडरोने नहीं रोए मुन नू कर ना मानते हो फलाना, ये तो बकवादे हैं, ये तो काल का व्यवस्था है, इनको भगवान से दूर रखे, मन में खरपतवार बढ़ता रहे, इनके खुरापात बढ़े रहे, भक्ति ना करें ये। तो इस ज्ञान से वो बात बनेगी। तो ऐसे हम अपने इस जीवन को भी सुखी करेंगे, परमात्मा को भी पाएंगे। तो पुण्यात्मा हम यहां आकर के काल के जाल में हम फंस गए और अंत समय में हमने यहां से जब चलना होगा, आपके ऊपर एक रैम होगा यू भी कि बुढ़ापा कंपलसरी और आवश्यक है इस भक्ति के लिए, क्योंकि जब तक आप युवा हो, ये जो दास बोल रहा है ना, एक एक वचने से समझ रहा है जैसे अनमोल और सत्य, अब तक जब तक आप युवा हो आपको पल की चैन नहीं है, भक्ति कर रहे हो ये आपका सौभाग्य है, ये विशेष कृपा मालिक की आप पे है, लेकिन आपको इतनी कसक नहीं है। और जो कि तुम आप ये काम अपनी क्रिया करते हुए भक्ति करते हुए वृद्ध भी होगे और वृद्ध होकर के फिर आपका शरीर भी शिथिल होगा, आपके शरीर में भी कोई छोटा मोटा ठूंठा बनी रहेगी, कोई कष्ट आ गया, कभी जाड़ पड़वानी, कभी आँखें तो दिखना बंद हो जाए, नूडर रह गए भगवान का जानदा हो जाऊँ, ये मालिक क्या तो दूना भगवान याद आओगा। और फिर आपको ये वचन जो आज दास बोल रहा है, ये उसमें सारे ऐसे हो जाएंगे जैसे रजिस्ट्री कराएं पाछ पक्का काम हो जाता है, आपको ऐसे दिखेंगे कति सच्ची कहे थे उस दिन, तब सेट होगी आपको यह बात। और जो आज वृद्ध हो चुके हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आज प्रमाण हो जाएगा कि सचमुच ऐसा ही है, और वो और गणी भक्ति क्रिया करेंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वृद्ध अवस्था आप में भी आवेगी, लेकिन उन भक्तिहीन प्राणियों वाली नहीं आवेगी, क्योंकि जो भक्तिहीन प्राणी हैं, ज्ञान नहीं मिला जिनको, वो सारा दिन उल्टे काम करें। एक भक्त कह रहा था कि हमारे गाँव में एक जवान व्यक्ति, यानी 30-40 साल का था जब वो, हम तब से देख रहे थे उसको, गली में जा रहा होता और कहीं कुत्ता बैठा होता बेचारा अपनी गिंडली सी मार के, तो वो धीरे धीरे जाकर लाठी रखा करता, उसको ऐसी मारता कमर में, और वो कुत्ता फिर चिल्लाता चा चा और वो हंसता आखा हा हा हा। उसने तो वो कर्म फोड़ने थे अपने, फोड़ दिए। कहते फिर वो वृद्ध होया ना, जब न्यो रोया करता जैसे कुत्ते रोया करे, जैसे वो कुत्ते रोया करते ना जिनको लठ मारा करता वे, मतलब ऐसे रो रो का मरा साल भर भगत के, और न्यो भूंडी तरह रो जैसे वास्तव में कुत्ता रो रहा हो। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपनो किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपनो किया रे। अब जो भक्ति करते हैं उनके विषय बताते हैं, भाई मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या हो गया सरद ही, अरे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे।
मन तू पावे गए अपना किया रे भोगे गए अपना किया रे। 33 करोड़ यज्ञ में आए सैंस 88 सारे 33 करोड़ यज्ञ में आए सैंस 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता वहाँ सुपच का शंख बजा रे मन तू पावे गए अपना किया रे भोगे गए अपना किया रे। मन तू पावे गए अपना किया रे भोगे गए अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे। अब परमात्मा में ये याद दिलाना चाहते हैं कि भाई जो भक्ति करोगे आपके ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तो भगवान ऐसे मदद करेगा जैसे मीरा बाई को मारने के लिए उसको विष का प्याला उसके देवर ने पिला दिया और वो पीगी मालिक को याद करके। वो मरी नहीं। और कुछ हम देखते हैं किसी को इंजेक्शन लगा दिया इंजेक्शन रिएक्शन हो गया और उसकी मृत्यु होगी। ये जो धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों का जो परम धनी था वहाँ का जो प्रवर्तक है वो राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ था और उसका नाम श्री खेमामल जी उसको बलोचिस्तानी सामस्ताना कहा करते सामस्ताना जी क्योंकि वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। उन पिछले पुण्यों के कारण ही प्राणी कोई राजनेता बनता है पिछले ही भक्ति शक्ति से ही कोई साधु संत बनता है जो धार्मिक नेता बनता है और वो दोनों ही अपने पुण्यों को नष्ट कर जाते हैं अंत में उनकी दुर्गति होती है जब तक सत भक्ति उनको नहीं मिलती। जैसे कोई बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की और अब वर्तमान में चार्जर है नहीं चार्ज पहले कर चुके हैं अब वर्तमान में चार्जर भी नहीं लगा रखा है तो उससे पंखे भी चल रहे हैं क्योंकि वो पहले की चार्ज्ड है उसमें पावर स्टोर्ड है स्टोर कर रखी है। जब तक वो उसकी चार्जिंग ठीक रहेगी वह शक्ति जितनी उसमें स्टोर है वह काम करेगी तो वो ठीक चलती रहेगी। पंखे भी चल रहे हैं कूलर भी चल रहा है और ट्यूब भी जग रही है नो प्रॉब्लम। और फिर एकदम जब उसका अंत होगा डिस्चार्ज हो जाएगी वह बैटरी फिर देखना सारी है प्रॉब्लम। तो जब तक इन पुन पिछले जन्म जन्मांतर में कभी साधना की हुई वो बैटरी चार्ज्ड है स्टोर है आपके पास वो भक्ति शक्ति तब तक तो आप कुछ भी कार भी हो जाएगी कोठी भी होगी बिजनेस भी होंगे फैक्ट्रियां भी होंगी राजा भी बन जाओगे मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन जाओगे नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर होगी ज़बरदस्त प्रॉब्लम। कैसे होगी कि आपने चार्जर नहीं लगा रखा वह बैटरी जब तक चार्ज है पिछले पुण्य आपके साथ हैं वो चलेगी और फिर एकदम डिस्चार्ज होगी। आई है एक उदाहरण है कि अपने देश के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी अब उनका जीवन देखो कितना अच्छा रहा। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बने फिर और भी कोई मंत्री पद पर सेंटर में रहे फिर वो राष्ट्रपति बन गए। अंत में फिर क्या हुआ कि उनका दुर्घटना होगी जब वो राष्ट्रपति पद पर नहीं थे और दुर्घटना से उनको बॉडी में काफ़ी डैमेज हो गया वो मरे गए उसी दुर्घटना में 6 महीना भुगत गए फिर रेणी रस बात आई नहीं। और आगे क्या होगा वो भगवान का विधान बताता है कबीर हरि की भक्ति बिना ये राजा रसब हो मट्टी लदे कुम्हार के भाई घास ना डाले कोई हो। के जो भक्ति नहीं करते वो राजा भी गधे की योनि में जाते हैं
फिर गधे के साथ कैसा सलूक होता है आपको पता ही है, ये तो घना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कहते माटी लदे को मार के और चरने के लिए भी बाहर जाता है, उसको वहाँ चारा भी नहीं मिलता। फिर तो पुण्यात्माओं यहाँ यही बताना चाहते हैं परमात्मा हमारे को कि तुम इन जो गाइडलाइन तुम्हें बताई जा रही हैं इनको हृदय में जमा के और इनसे बाहर ना जाना, इनको भूल मत करना। फिर क्या बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं कि उनको कैसे सुख होता है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है। पुण्यात्मा आप साधना कर रहे हो, वो बच्चा वो व्यक्ति चाहे कितना गरीब है, मजदूर है, चाहे रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहा है, और लेकिन यह भक्ति सत कर रहा है, सच भक्ति कर रहा है जो सच्ची इस दास के पास है, तो वो आज यहाँ पूरे पृथ्वी का भी कोई राज्य उसको प्राप्त हो जाए, किसी अन्य व्यक्ति को पृथ्वी का भी अगर पूरा शासन, पूरी पृथ्वी का वो चक्रवर्ती राजा भी हो, तो उस रिक्शा चलाने वाले भगत का पासिंग भी कोनी। उसकी तुलना में वो जैसे नथिंग है, क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को नाश कर रहा है, पिछले पुण्यों को, पिछले धन को बर्बाद कर रहा है, खो और खिंडा रहा है। जो रिक्शा चलाने वाला या मजदूर व्यक्ति या कोई भी है, चाहे सेठ हो, राजा भी भक्ति करता है तो वो भी अच्छा है। भक्ति करने वाले का तुलना नहीं कर रहा ये दास, जो भक्ति ना करता, क्योंकि राजा से तुलना इसलिए की जाती है कि उसको तो हम सक्षम मानते हैं, समर्थ मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, और इसलिए उससे तुलना की जाती है कि अन्य की तो फिर स्थिति खत्म हो जाती है। जब राजा भी ना, भक्ति करने वाला राजा और भक्ति करने वाले मजदूर से भी बुरा है, यूजलेस है उसका जीवन। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, उसी को समझ में आऊंगी जो परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक भक्त अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है और वो डिस्चार्ज कर रहा है, उसका चार्जर है को नहीं, तो उसका अंत बुरा होगा और इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसको सदा सुख रहेगा। तो इस कारण से जो साधनाएं करते हैं उनको कितना सुख होता है, और भक्ति करने वाले जो होते हैं, जैसे साधना तो सभी करते हैं, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, कोई किसी मजहब में किसी प्रकार की सभी पूजाएं कर रहे हैं, और वो साधना यदि शास्त्र अनुकूल नहीं है तो भी यूजलेस है। गुणात्माओं आपने श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में ये पढ़ा, ये लिखा है इसके अंदर कि गीता ज्ञान दाता ये काल कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और लाभ हानि जय पराजय को छोड़कर भूल के तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और वो बता भी रहा कि ये भक्ति कर ले, मेरा सिमरन कर, ओम नाम का जाप है मेरा, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके, वो कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओनली एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। अपुणात्मा जो गीता जी को पढ़ते हैं, गीता जी का नित पाठ करते हैं और गीता जी को सर्वधारिय बताते हैं और वो जाप जपते हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे श्याम, ये यूजलेस मंत्र है, शास्त्र विधि को त्याग के ये मनमाना आचरण है इनका, ये व्यर्थ है। और कोई तीर्थों पे जाते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई अन्य साधना एकादशी का व्रत करते हैं, जो गीता जी में वर्णन नहीं है जिन साधनाओं का, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए, 24वें श्लोक में 16वें अध्याय गीता जी में,
इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है और उनको जानकर तू भक्ति वैसे ही कर। किसी के लोक वेद दंत कथा के आधार से मत साधना करना, वो यूजलेस होगी। अब श्री कृष्ण के अंदर यू काल बोल रहा था। इस काल के निकल जाने के बाद श्री कृष्ण जी को पता नहीं गीता में बोला क्या था। अब आप श्री कृष्ण जी के इतिहास में देखिएगा, शिवपुराण में लिखा है कि एक बार श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया। ये तप गीता में लिखा कहीं? तो इसे भी सिद्ध होता है गीता जी का ज्ञान नहीं था श्री कृष्ण जी को। तो ऐसे ही ये काल ने गीता वाला ज्ञान दिया, दो प्रकार से दिया है। एक तो ये कहता है गीता ज्ञान दाता कि ये तो मेरा मत है, जो उसका मत है वो तो उसके सत्र का ज्ञान है, और जो अन्य ज्ञान गीता जी में है वो वेद ज्ञान है। और वेद दिया है किसने? पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म ने, श्री पूर्ण परमात्मा ने दिया इस काल ज्योति निरंजन के अंतःकरण में और उसके कंप्यूटर में फीड कर दिया। उससे जो उसने निकाला एज ए वेद, वो तो एज इट इज निकाल दिया वेद, तो उसने कोई मिलावट नहीं की। अब वेदों का ज्ञान उसने भी समझा, आगे फिर गीता में ज्ञान जो है उसने युद्ध कराने के लिए कहा, उसमें वेद ज्ञान तो भक्ति का बता दिया और अपना मत बता दिया यहाँ उड़ जाने और युद्ध कराने के लिए। तो उसने कहा कि तू दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में 38वें कि तू युद्ध कर ले लाभ हानि की को छोड़ के, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा, और युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। पुण्यात्माओं सर्वविदित है, जिन्होंने इतिहास पढ़े हैं, ये अपने ग्रंथ पढ़े हैं, महाभारत पढ़ा है। जब युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठा दिए गए, महाभारत का युद्ध हो चुका था, कौरवों का नाश हो गया, वो हार गए, पांडव विजयी हुए, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठा दिया। और युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर स्वप्न आने लग गए। श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, श्री कृष्ण जी के पास गए, उनसे कारण पूछा कि गुरुदेव भगवान भाई को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कई दिन हो गए इसने कुछ आहार नहीं किया, डरा डरा सा रहता है, भयंकर सा शकल हो गई है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किए हैं वो पाप करे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। अपने आत्मा विचार करना। अब अर्जुन को करंट सा लगा एकदम कि भगवान गीता ज्ञान दिया था जब तेन कह था तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो नियमित मात्र है, मैंने सारे मार रखे, तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा, और आज कह रहा है कि तुझे वो पाप लग गए। लेकिन उस समय इसलिए नहीं बोला कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया तो भाई जो मेरा युधिष्ठिर है ये इलाज नहीं कराओगा, क्योंकि इलाज के लिए उसने बहुत खर्च बताया था कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इसका एक इलाज है, एक अश्वमेघ, एक यज्ञ करो बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी के जितने साधु संत भक्त और स्वर्ग के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और तुम यज्ञ करो, भंडारा करो, और उस भंडारे में जब सभी खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, तो तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे, और उसके यज्ञ सफल होगी, यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और यज्ञ सफल होने का प्रतीक क्या बनाया कि एक शंख रख दिया पांच मुख का, पंचमुखी शंख, पंचायन बोलते हैं, आनन माने मुख, पांच आयन माने मुख, पंचायन, वो अलग रखा जाए सुसज्जित स्टेज पर, एक स्थान पर अलग से एक मेज पर रख देंगे ऊंचे पर, और सब भोजन खा लेंगे, जो आवाज करेगा अपने आप वो शंख, तो समझ लेना तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, यज्ञ संपूर्ण होगी, शंख बज गया तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, नहीं तो नहीं। अब पूरी पृथ्वी के सभी साधु संत भक्त ऋषि महर्षि 12 करोड़ ब्राह्मण सारे बुला लिए, तो उसलिए अर्जुन नहीं बोल सका कि यदि मैं अब टोक दूंगा कि भगवान आपके उस गीता के ज्ञान में तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, आज कह रहे हो तुम्हें पाप लगे,
तो वाद विवाद करना उचित ना जानकर कि भाई को ठेस पहुंच जाएगी, ये इलाज नहीं करवाएगा, कहेगा कि अर्जुन नहीं चाहता मैं स्वस्थ हो जाऊं, इसने आज पैसे दिखाई देते हैं, मैं दिखाई नहीं देता। इस करके अर्जुन ने सबर का घूंट पी लिया, लेकिन वो कांटा खटक रहा था। सब आमंत्रित किए गए, यज्ञ का स्थान दिन समय निहित कर दिया श्री कृष्ण जी ने, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, ओहो ये ऋषि में ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और ब्रह्मा विष्णु महेश और यो काल निरंजन भी आ गया उनमें गुप्त रूप में, किसी अन्य वेश में, किसी में प्रवेश कर जाता है काल, तो वहाँ सब ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा, सब ने भोजन खा लिया, शंख ने आवाज करी नहीं, तो युधिष्ठिर ने कहा भगवान नहीं बात बनी है, और बनेगी कैसे, हमारे पाप बहुत है, हमने जुल्म कर रखा है, वो आज तक याद है, लाशें बिछी हुई थी, 18 करोड़ आदमी मर गए दोनों तरफ की सेना, कैसे शंख बजेगा, कैसे पाप कटेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि शंख बजाने वाला इन सब में आया नहीं है, वो है ही नहीं इनमें। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ये ऋषि में ऋषि बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसी तोब बैठी यहाँ पर, इतने पुण्यात्मा, क्योंकि वो उनको बहुत बड़ा महान मानते थे, और 12 करोड़ ऋषि ये ब्राह्मण बैठे, क्या इनसे भी शंख नहीं बजेगा, इनसे भी अन्य कोई और श्रेष्ठ आत्मा है, कोई अच्छी आत्मा। तो बताया गया कि ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम के सुपच हैं, वाल्मीकि परिवार में उसका जन्म है, वाल्मीक घर में, और वो सत साधना करते हैं, वो सतगुरु के शिष्य हैं। सतगुरु जो तत्वदर्शी संत होता है, अब उनको बुलाने गए, उस साइड में जो आमंत्रित करने की ड्यूटी ला रखी थी भीम की, और भीम गया था कहाँ, सुदर्शन जी के पास, और सुदर्शन जी कौन थे, परमेश्वर कबीर देव जी, वो पूर्ण ब्रह्म, अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं। उस समय परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, जैसे कलयुग में वो कबीर नाम से आए हुए थे, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। स्वयं भी एक वाल्मीक के घर पर वो सहश्री राय थे, बालक रूप धारण किया था, एक वाल्मीक की दंपत्ति उनको उठा ले गए थे, और वो वाल्मीक नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, और उसी वाल्मीक ग्रुप में एक समुदाय में एक और सुदर्शन नाम के व्यक्ति थे, वो परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे, और उसके कारण वो भक्ति से युक्त थे। तो जब भीम गया सुदर्शन जी के पास के महात्मा जी, हे भक्त आप हमारी यज्ञ में आइएगा, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूँ, भीमसेन मेरा नाम है, इस दिन हम यज्ञ कर रहे हैं, धार्मिक भंडारा है, आप अवश्य आइएगा। सुदर्शन जी ने कहा कि भीम तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा, तुम तो महा अपराधी, तुमने तो जुल्म कर दिया रे, ऐसे उन विधवाओं की जो सेना में सैनिक मरे हैं उनके तो आंसू नहीं सूखे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, अपनी माँ से पूछ रहे हैं हमारा पापा कब आओगा, हमारा पिताजी कब आएंगे, वो बेकार हैं बेटा, वो फौज में गए हैं अभी आएंगे, और तुम आनंद भोग रहे हो, तुम सुखी भी रहोगे, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें तो नरक में वास होगा, तुम्हारा नरक में। अब राजा को ये बात कोई कह दे सहन नहीं होती। अब भीम कहने लगा कि भाई भगत बात सुन ले, गणा मत बोले, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं है, ना तेरा दो मारूंगा, ये तो मेरे भाइयों से और कृष्ण जी से मुझे उनकी जो है ना लज्जा है, नहीं तो तेरी अभी मैं मुंह को तोड़ देता, आना है तो आइए, ना मत आइए, ज़्यादा मत बोल, सच्चाई सुन नहीं सकते जिसके पास थोड़ी सी भी प्रभुता होती है। अब उस युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान कौन है फिर ऐसा जो शंख बजावेगा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऐसे काशी के अंदर
दिल्ली के इस साइड में एक सुदर्शन नाम का है सुपच, वाल्मीकि घर में जन्म है, वो नहीं आमंत्रित किया तुमने, वो भक्त था। युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन की सेवा लगा रखी थी उधर, न्योता देने की, निमंत्रण देने की इनविटेशन, यानी उधर न्योता देने वो ही गया था, उसको बुलाया। भीमसेन से पूछा कृष्ण जी ने कि आप उधर गए थे, एक सुदर्शन नाम के महात्मा भगत हैं, उनको आपने निमंत्रण दिया कि नहीं? निमंत्रण दिया तो वो आए किस कारण से नहीं? अब भीम ने कहा भगवान नोता तो मैं दे दिया था उसको, पर वो तो घना कुबोल आदमी है, वो तो बूंदा बोला है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई तूने हमें तो बताना चाहिए था जी, ऐसी समस्या आ गई, हम कोई बनाते उसका कारण, ढूंढते। क्या बोला उसने कि ऐसे ऐसे बोला? क्या कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा तो सारी बता के कहा उसने। भीम ने कहा कि वो कहने लगा कि तुम नरक में जाओगे और तुम्हारे अन्न को जो खा लेगा वो सीधा नरक जाएगा, तुमने ऐसा पाप कर रहा है, तुम अपराधी हो, तुम महापापी हो। और सुदर्शन जी ने कहा था यदि मुझे तुम्हें अपने यज्ञ में ले चलना है तो मुझे ऐसी यज्ञ 100 यज्ञों का पुण्य मुझे संकल्प कर मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारे उस पाप के अन्न को खाऊंगा। और मैंने उसे ये कहा कि हम तो ये दूसरी ही यज्ञ कर रहे हैं, एक यज्ञ तो करी थी भाई जब गद्दी पर बैठे और दूसरी अब करने जा रहे हैं। अब युधिष्ठिर तो पहले मना कर रहा था उस गद्दी पर नहीं बैठूं मैं, वो भी ऐसे ही कह रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको एक छोटा सा यज्ञ करवा के बैठा दिया। तो कहने लगा हम कहाँ से लाएं आपको 100 यज्ञ का फल दें, ऊपर से फिर उसने ऐसा गलत कह दिया। श्री कृष्ण जी को पता था ये भी पहलवान माइंड आदमी है, पता नहीं इसने क्या कहा होगा भगत को। श्री कृष्ण जी ने कहा फिर आप के बोले सच्ची बताइए। अब भीमसेन कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि ज़्यादा ना बोले, तेरे मुंह न तोड़ दूंगा, आना हो तो आइए ना बेशक मत आइए, मुझे श्री कृष्ण और भाई युधिष्ठिर का डर है, नहीं तुझे अभी कर देता तेरा काम। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे भले आदमी कभी दिमाग भी प्रयोग करा कर अपना, हंगा नहीं चला करता सब जगह, तुझे वो बाल्मीक दिखाई देता है, उस बाल्मीक के एक बाल के समान भी ये तीनों लोक नहीं है, तूने हमें बताना चाहिए था, और संत को ऐसे अपशब्द कहने का दूना पापी हो गया तू, और हमारे साथ चल उसके चरण छू माथा टेक अक्षमा याचना करना लायक, तन तोर काम बिगाड़ दिया। रथ तैयार किया, 500 पांडव छठे कृष्ण भगवान वहाँ पहुँच गए। एक योजन यानी एक योजन होता 12 किलोमीटर दूर, एक योजन दूर रथ रोक दिया और छों के छों पैदल चल पड़े, रथ पीछे पीछे घोड़े आ रहे हैं। उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणामय जी से यानी कबीर जी से कहा कि भगवान ऐसे ऐसे युधिष्ठिर का भाई आया था भीमसेन और वो कोई यज्ञ करें हैं भगवान, और मैंने उनको मना कर दिया वहाँ जाने के लिए। तो भगवान कबीर जी यानी करुणामय जी कहने लगे सुपच और सुदर्शन उनका यज्ञ पूरा ना हो, शंख नहीं बाजे बेटा, वो तो तेरे तो बात बनेगी, वह फिर आएंगे और यही नाक रगड़ेंगे तेरे पास आके। अब सुदर्शन ने सोचा ये फिर शर्मा दर्द करेंगे हैं, और वो इतने पाप का भोजन उन्होंने बना रखा, मैंने खा लिया तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। उसने क्या किया कि तू निकल जाए यहाँ से, वो अपना कुटिया छोड़ गए, घर छोड़ गए और लंबा टूर प्रोग्राम बना लिया 15-20 दिन का, बाहर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत परमात्मा रखता है, कहते है, मेरा भगत पे छोड़ी होई तुम्हारा नाम ना ले वे कोई। अब अपने भगत का रूप बना के पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बैठ गए उस सुपच की सुदर्शन की कुटिया में जाके। पांचों पांडव आए, श्री कृष्ण जी ने देखा सामने बैठे हुए, क्योंकि
जो थोड़े से भक्ति बढ़ जाती है उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है। और श्री कृष्ण जी को सामने देखे, परम पिता बैठे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, बस की बात नहीं, एकदम आत्मा झुकगी। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो पांचों पांडव ने किया। अब वो कौन से खेत की मूली, जब श्री कृष्ण प्रणाम करने लग रहे हैं गुरु जी, और उस पहलवान ने भी करना पड़ गया भीम ने। अब परमात्मा यूं चाहे थे, यू बालक करते गया गलती, उस दिन गलत बोल गया भगत को, पर भी वो माफी मांग लेगा, क्षमा कर देंगे, दयालु बहुत हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे उसी के तो हैं। इसलिए मालिक ने खेल खेला, वो पांचों ने दंडवत प्रणाम किया। खड़ा होकर श्री कृष्ण जी ने करबद्ध होके कहा, भगवान ये राजा युधिष्ठिर है, ये इसके छोटे भाई हैं, और मैं कृष्ण हूँ, द्वारका से आया हूँ, आपको निमंत्रण देने आए हैं, ये इनकी यज्ञ में चलिए भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इस भगत से कहा था, उस दिन मेरे वो कंडीशन पूरी करो, क्या कहा था कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो तब यज्ञ में चलूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी वाणी है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। पुणात्मा, ये आपके लिए है ये फार्मूला, यदि आप सत्संग में आते हो, चाहे कोई कितना धनी है, चाहे कितनी उच्च पोस्ट का व्यक्ति है, भगवान के दरबार में भिखारी बनकर आवे या अभिमान नहीं रहना चाहिए। तब परमात्मा कहते हैं, जब ऐसी स्थिति में ऐसे भाव से आप घर से चलते हो और यहाँ तक जितने कदम आपके बनते हैं, एक कदम 100 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होता है। अब देख लो, परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती, 100 की 100 सच्ची है। संत मिलन को चलियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। एक कदम भी रखोगे ना सच्चे भाव से, विनम्र भाव से, अपने दास बनकर, अधीन बनकर, जैसे कोई रोगी हो भयंकर, जिस व्यक्ति को उस नगर के डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जाइए PGI या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में या कोई और अच्छे हॉस्पिटल में अपनी जांच कराइए और वहाँ इलाज कराइए, हमसे नहीं हो रहा, तो उसकी गीगी बन जाती है उस व्यक्ति की, अक ना जाने क्या रिपोर्ट आवेगी, ना जाने है भगवान कैसी बीमारी पावेगी। तो उस समय वो कितना उच्च पद पर हो और चाहे कितना धनी हो, उसने धन दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। फिर वो जाता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो ना सोचता तू राजा है प्रजा है क्या है, तू सेठ है, जब लेट जाता है ऐसे करके, वो कहता जाओ वहाँ जांच करा के आओ दूसरी, वो वहीं ले चल पड़ता अपनी ले कर चिट्ठी को। तो इस प्रकार यहाँ जब आप आते हो, यहाँ किसी प्रकार का नखरा आप बना हो, कोई चाहे बड़ी पोस्ट वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, यहाँ तो दास बनकर आओ। तो इस भाव से आप दर्शन के लिए आते हो दास के, तो आपको एक कदम भी 100 यज्ञ के तुलपुन देता है। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है यज्ञ समान। एक कदम एक यज्ञ के तुल है, और एक यज्ञ में कितना खर्चा, जिसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, 9 नाथ, 84 सिद्ध, और बाकी जितने अनाथ जीव तक पता नहीं कितने भोजन खा रहे थे, वैसे एक यज्ञ का एक मोटा फॉर्मूला बताते हैं पुराणों में, कि एक यज्ञ जो होती है उसमें 100 मन घी लगाया जाता है। ये देसी अंग्रेजी तो ई बताना पड़ा है, पहले तो अंग्रेजी था ही नहीं, यो डालडा वगैरह वनस्पति, तो 100 मन घी गाय भैंस का प्रयोग हो, 100 मन, एक मन में 40 किलो। तो पुण्यात्माओं 40 क्विंटल हो गया लगभग घी, 40 क्विंटल। तो ऐसे उसमें से हवन भी होए, उसी में फिर ये खाना भंडारा भी होए,
तो 100 मन घी में से मान ले 2 मन, 1 मन निकाल लिया हवन का, तो फिर 99 मन रह गए। 99 मन घी जहाँ लगेगा तो अन्य सामग्री कितने की लगेगी हिसाब लगा लो। तो इतना खर्चा उस यज्ञ में होता है और वो यज्ञ का फल आपको इस भाव से यहाँ आने वाले को कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपकी वाणी है क्योंकि चारों युग में परमात्मा ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे हीरे माणिक मोती बरसे ये जग जुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में हमने आवाज लगाई सच्चे ज्ञान की, चारों युगों में परमात्मा ने अपनी वाणी बोली हुई है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपका आदेश है, आपका वचन है, आपकी अमृतवाणी में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। हम ये 500 पांडव भी राजा हैं और मैं द्वारकाधीश हूँ, आप अंतर्यामी हैं, देख लीजिए हमारे हृदय में किसी में जरा सी भी आज, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण थे, वो तो साधु संतों की वैसे ही बहुत आदर सत्कार करते थे, थोड़ी सी कड़ थी तो पांडवों में थी, वो नए नए राजा बने थे भीमसेन, तो उस दिन उनकी भी फड़क निकल गई कि इस बिना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो आज युधिष्ठिर में तकलीफ है, क्योंकि वो प्रेत बन रहे थे उसमें, और उनको बता दिया गया था कि युधिष्ठिर के बाद ये फिर दूसरे नंबर के मावगी, फिर तीसरे के मावगी, तुम सारे नौ मरोगे। उधर से उनका कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था, वहाँ पर सब जगह उनकी लोग असहाय हुए थी कि इनका यज्ञ पूरा ना होया, तो उन्होंने करबत होकर कहा परवरदिगार हमारे यज्ञ में चलिए दाता, और भीमसेन से कहा माफ़ी मांग नागरगढ़ महापुरुष के सामने। भीमसेन ने भी करबत होकर कहा प्रभु क्षमा कर दो, मेरी कही सुनी माफ़ करो, अनजानपणे में मूर्खता में मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको। तब परमात्मा प्रसन्न हो गए, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और उनको इस योग्य बनाना चाहते थे कि अपनी कृपा बना सके इनके ऊपर, जब तक अहंकार जीव में है भगवान लाभ नहीं देता, उनके अहंकार का नाश करके तब उनको लाभ देने चले थे। जब भगवान गए श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, इस महात्मा के भोजन खाने से आज तुम्हारा शंख बजेगा, यज्ञ पूर्ण होगी। अब परमात्मा किस वेशभूषा में थे, जैसे अभी ये अपने भारतवर्ष में तभी हो गए सुथरे कपड़े पहनने लगे, नहीं तो पहले मेले कुचेले से कपड़े और दाढ़ी बड़ी हुई, सिर के बाल बड़े बड़े, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सभी रखते थे, छोटी सी लंगोटी धोती गोड्डा तक की, टूटे से जूते, कति सिंपल वेशभूषा में, और आकर बैठ गए। और वहाँ बैठे हुए मंडलेश्वर वो ऋषि पा करे ब्राह्मण जो कति नहाए धोए तीन तीन त्रिकाली स्नान करनी है और आसन लगा रखे सब के नारे नारे, और परमात्मा का आसन श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ बिछाया, क्योंकि ये तो सतोगुण भगवान है, अपने मित्र सुदामा के पैर धोए इन्होंने और उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिया, आप नीचे बैठ के, ये तो इस टाइप के महापुरुष है। और वह नकली बैठे आसन पांडी पाके नो सारे ऋषि मह ऋषि 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 12 करोड़ ब्राह्मण, और ये परमात्मा गए एक सिंपल सी वेशभूषा में। अब जब परमेश्वर वहाँ प्रकट हुए उस पहुँचे उस पूरे टोल में झुंड में सब देख रहे हैं और कह रहे हैं ये करेगा इनका यज्ञ पूर्ण, वो मंडलेश्वर कह रहे हैं अरे इनके पाप ही ज़्यादा हैं, पाप तो अपने भोगने ही पड़ते हैं, अक्षमा थोड़े ही होते हैं, उनकी वह थ्योरी इतनी थी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी भोजन बना, और ये महात्मा भोजन खाओगा तुम्हारा शंख इससे बचेगा। अब द्रौपदी ने ये सोचकर अपने हाथों भोजन बनाया, कहीं कोई नौकर नौकरानी भोजन खराब बना दे, साधु संत नाराज हो जाए, इसके इससे ही हमारा काम बनना, बाकी तो ये बिगड़ा पड़ा ही है। अपने हाथों रोटी बनाई, और चूल्हे पर बनाते थे पहले तो रोटी, ये गैस सिलेंडर नहीं थे, हर तरह के जैसे खीर न्यारी बनाई, हलवा अलग से, कई प्रकार की सब्जी बनाई, काजू किशमिश की भी सब्जी बनाई, और बड़े अच्छे पकौड़ी कचौड़ी दही बड़े हलवा पूरी सब बना के और थाली में रख के और महात्मा के सामने रख दी।
अब परमात्मा तो वो तो मालिक थे, उन्होंने क्या किया, उन कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा सभी आहार निकाल लिया, सभी उसमें भोजन निकाल लिया, थोड़ी सी दाल डाल ली, सब्जी डाल ली थाली में, हलवा डाल लिया, कचौरी दही पकौड़ी, और फिर उसका लगे खिचड़ी बनाने ऐसे मिलान लगे। अब द्रौपदी ने नो सोचा था कि मैं भोजन इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति और आज इस भोजन ने खा के उंगली चाटता रह जाएगा और मेरी 100 जगह प्रशंसा करेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने। और विशेषकर ये बहन जो होती है, इनका विशेष दृष्टिकोण रहता है, कोई अतिथि आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से सुंदर अच्छा भोजन बनाने की प्रयत्न करते हैं कि कहीं ये खाने वाला मेरे भोजन को किसी के सामने जाकर न्यू ना कह दे कि उसने ऐसी सब्जी बनाई, कुछ भी बनाना नहीं आता। यानी इस दृष्टिकोण से भी द्रौपदी ने अपने पूरा सूझबूझ से बड़े बढ़िया भोजन बनाया था। अब द्रौपदी की आशा के विपरीत काम हो गया। द्रौपदी तो न्यू सोच रही थी, न्यू कहेगा भाई ओहो हो बड़ा बढ़िया भोजन भाई, वाह वाह किसने बनाया, न्यू पूछेगा। और जब उस परमात्मा ने वो सारा इकट्ठा कर लिया तो द्रौपदी के मन में बहुत ही कुविचार आ गए महापुरुष के प्रति, भगवान के प्रति। उसने के सोच लिया मन में कि यू रहा सुदर का सुदर है, इसने खान का बिना बेरा, मैंने एक घंटा आँख फुड़वाई धूमे में है लकड़ी आग बाल के, और इसने सारा एक काम बिगाड़ दिया, इन्हें खाना बिना था काय का शंख बजाएगा, ये मन मन में सोच रही है, नाराज हो रही। अब परमात्मा ने क्या किया कि वो मिला लिया था सारा, उसमें से एक ग्रास खाया और वो दूर रखा हुआ शंख अपने आप आवाज़ की उसने एक बार बज के बंद हो गया। फिर परमात्मा ने दूसरा ग्रास खाया, फिर आवाज़ करी, फिर बंद हो गया, तीसरा खाया, पांच बार में जितना भी भोजन उसने डाला था अपनी थाली में वो पांच बार में खा लिया और पांच ही बार वो शंख बोलिया, फिर बंद हो गया। अब युधिष्ठिर कहने लगा भगवान बड़ी दया हुई आपकी, शंख बज गया। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं भाई, शंख बज अवश्य का लेकिन इस तो बात ना बने, ये तो बज कर रुकना नहीं चाहिए, कई घंटे तक अखंड बजना चाहिए था, ये तो तब सफल होगी तुम्हारी यज्ञ। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान अब किसको बुलाओगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस महात्मा के समान इस पृथ्वी पर कोई महापुरुष नहीं है और ये वाल्मीक नहीं है। वाल्मीक अर्थ तुम जिस दृष्टिकोण से सोचते हो ना वो नहीं, इसके एक बाल के समान भी ये तीन लोक नहीं है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर वो कहते हैं ना सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी में, अपनी कोई चाकरी में चूक है। द्रौपदी से पूछा बहन साची बताना, क्योंकि श्री कृष्ण भी देख रहे थे और द्रौपदी को भी देख रहे थे, कभी नाक सकोड़े थी कभी ऊपर ने तोड़ी पड़े थी माथे पे। कहने लगा बहन साची बताना, महात्मा जी ने जो भोजन खाया तेरे मन में क्या प्रदूषण हो गया था, आज इस महात्मा से शंख बजेगा द्रौपदी इस पृथ्वी पर कोर नहीं है, आज तुम्हारा तो तन तक काम बिगाड़ दिया। तब द्रौपदी ने कहा कि भगवान सचमुच मेरे अंदर बहुत दोष आ गया था कि मैंने ये अपने एक घंटे तक तो आंख फुड़वाई धूमे में फूं फां करके आग बाली और नारे नारे भोजन बनाए, जब इस महात्मा ने इकट्ठे कर लिए ना मेरे मन में आ गया कि रहा यो सुदर का सुदर, इसने खाना भी ना आता शरड़ फिरड़ दे, ये क्या का शंख बजाओगा, मेरे मन में दोष आ गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे बहन ये महात्मा है और आपने भोजन बना दिया, तूने जिस श्रद्धा से बना तेरा तो अकाउंट न्यो का न्यो है, लेकिन ईब खोलिया तेने मन में दोष बना के, आपने धनी का आगे धर दिया क्यों करे खाओ यो, और तूने मोल ले लिया कि महात्मा को दो टूक खुआ के, इसके ये जो भोजन खाकर तुझे जो फल मिलेगा वो तो गिनती नहीं कर सकती, तो नहीं ये एक हलवा पूरी बना के मोल ले लिया महात्मा को, नालायक तेरे ऊपर रेम करा, इसने यहाँ आ गया तेरा भोजन खा लिया शुक्र बना और तन अभिमान कर लिया बेटी,
विवेतन अभिमान कर लिया, हखा अभिमान हो गया। तो तेरे मन का यो अभिमान तेरे में मरोड़ है ना, तेरी मरोड़ सीधी कर रही हो, इसलिए नहीं बजाया इसने शंख। तो अब क्या करो भगवान, केस के चरण दो के पी धूल धूल भरे चरण न्यों के न्यों दरके परात्मा है, और लोटा पानी का लाई अपने हाथों धोया, डाल के उल्टी ही लोटे में और पीन लगी द्रौपदी, आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा मुझे भी दे दे, ऐसे महापुरुष का चरणामृत कब कब मिला है। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने, तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और वो शंख अखंड बजा, काफ़ी देर तक बजता रहा। उसके बजने से फिर क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई, वसंत जैसा मौसम हो गया। फूलदार पौधे थे फूलों से लतपत हो गए, फलदार जो पेड़ थे वो फलों से लतपत हो गए। पूरी पृथ्वी को मालिक ने कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छी तरह मनोहर दृश्य बना दिया, और तब उनका यज्ञ संपन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए सहस 88 सारे, 33 करोड़ यज्ञ में आए सहस 88 सारे, द्वादश कोट वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब युधिष्ठिर और कृष्ण, और वो तो राजा थे, वो तो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर रहे थे, और वो गरीब एक बाल्मीक घर में जन्मा सुपच वो बैटरी चार्ज कर रहा था। उन राजाओं से और वो जो शास्त्र भी जीता के मनमाना हठ योग करके जो सिद्धियां प्राप्त बैठे थे ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, और देवता भी अपनी भक्ति करके देवता बन गए, वो भी डिस्चार्ज कर रहे अपनी बैटरी को। और एक गरीब व्यक्ति एक झोपड़ी में रहने वाला अपनी बैटरी चार्ज कर रहा था, वो उन राजाओं से भी समर्थ था। तो यहाँ परमात्मा की वो वाणी स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा के भक्त के सामने पूरी पृथ्वी का राजा भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 12 करोड़ वो वेद के वक्ता ब्राह्मण बैठे थे, वेद के कोई चतुर्वेदी कोई त्रिवेदी कोई दिव्यवेदी घोटे बैठे वेदों ने, उनके पास सतभक्ति नहीं थी। सतभक्ति ना करने वाला भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, और सतभक्ति साधना नहीं करता जो राजा भी बना हुआ है उससे वो संसारिक दृष्टि से रंक, वो उनसे असंख्य गुणा अच्छा है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना को ए, धनवंता सोए जानियो जिस पे राम नाम धन होए। बोलो सतगुरुदेव।